मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट. बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी हैव अ क्वेश्चन, कैन वी मेक अ डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव. येस, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाई चेंजिंग इट्स टेक्स्ट कलर, पैराग्राफ स्टाइल और इट्स फॉन्ट स्टाइल. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन, डिस्कस इन द क्लास सम आइडियाज दैट कैन मेक अ डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव. मीन्स यू कैन कलर द टेक्स्ट. तो ये जो इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको डिस्कस करना है आपको अपने पेरेंट्स के साथ. सो फॉर्मेटिंग रेफर्स टू चेंज द अपियरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट की अपियरेंस, मीन्स जब हम उसको देखते हैं, जो वो अपियर हो तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे. तो ये हम कर सकते हैं उस चेंजिंग उसकी फॉन्ट टाइप से, फॉन्ट साइज से, या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके, या उसकी लाइंस की जो स्पेसिंग होती है उसको एडजस्ट करके, और या उसकी अलाइनमेंट को चेंज करके. तो हमारे पास जो फॉर्मेटिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही फॉर्मेट करते हैं, बट पैराग्राफ में हम इंटायर पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं फॉर्मेटिंग के. नंबर फर्स्ट, फॉर फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप जो होता है ये प्रेजेंट होता है होम टैब पे, और जब हम फॉन्ट ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्शंस जो फॉन्ट ग्रुप की होती है हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं. नेक्स्ट है मिनी टूल बार. वी कैन राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट. जब हम डॉक्यूमेंट जो हमने टेक्स्ट अपने टाइप किए होते हैं उनके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एक मिनी टूल बार लाइक दिस हमारे सामने ओपन हो जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं, जैसे टू चेंज द स्टाइल ऑफ फॉन्ट. ये होता है हमारे जो फॉन्ट है उनका साइज चेंज करने के लिए, और ये होता है हमारे पास अंडरलाइन के लिए. ये वाला ऑप्शन होता है अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए, और ये ऑप्शन फॉन्ट ऑप्शन होता है टू चेंज द फॉन्ट. मीन्स हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे कलर ऑप्शंस टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट, मीन्स हम अपने फॉन्ट का कलर कौन सा रखना चाहते हैं. जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, ये जो टेक्स्ट है इन्हें हम बोलते हैं फॉन्ट. कोई रेड कलर में है, ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, तो अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं. ये जो बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, जब हम ये सारी चेंजेस कर लेते हैं तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए हमें ये बॉक्स अवेलेबल रहता है. जब हम ये सारी ऑप्शंस को चूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमें ओके के ऊपर क्लिक करना होता है, तो हम देखते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है. नेक्स्ट, यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. अब होम टैब का फॉन्ट ग्रुप हम कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं. जैसे यहाँ पे हम, ये होता है हमारा फॉन्ट साइज, अकॉर्डिंग टू नीड हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं. ये है फॉन्ट की ऑप्शन. बोल्ड, जब हम बोल्ड को चूज करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, मींस ज्यादा उभर के हमारे सामने आता है. ये इटैलिक, इटैलिक मींस तिरछा. अंडरलाइन, ये होता है स्ट्राइक थ्रू, मींस हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके सेंटर में एक लाइन आ जाती है. ये है सबस्क्रिप्ट, मींस जब हम कोई वर्ड लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट को चूज करते हैं तो उस नेक्स्ट वर्ड जो है वो उसके फुट पे लिखा आता है. सुपरस्क्रिप्ट में वो उसके हेड पे लिखा आता है. ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट को इफेक्ट देने के लिए, और ये होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए. फॉन्ट कलर मींस फॉन्ट का कलर चेंज करना, और क्लियर फॉर्मेटिंग मींस जो हमने फॉर्मेटिंग किया है उसको चेंज करना. केस चेंज मींस हमें अल्फाबेटिकली लार्ज केस चाहिए या स्मॉल केस चाहिए. ग्रो श्रिंक और श्रिंक फॉन्ट मींस हमें अपने जो फॉन्ट है उसे हाई मतलब लार्ज करना है या फिर उसे श्रिंक करवाना है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास एम्फेसाइजिंग टेक्स्ट. ये होता है हमारा एम्फेसाइजिंग टेक्स्ट का टूल बार. सबसे पहले आता है इसमें बी. बी मींस बोल्ड. टू मेक द सिलेक्टेड बोल्ड फेस और डार्कर देन द नॉर्मल टेक्स्ट, मींस ये हमारे होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट. अब आई लव कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा डार्क हो गया है जब हमने बोल्ड को सेलेक्ट किया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स,
इटैलिक। जब हम इटैलिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे वर्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, मीन्स थोड़े तिरछे। जब हम अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने आई लव कंप्यूटर लिखा है वो अंडरलाइन हो चुका है। नेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू में जब हम स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो एक चेंज हम देखने को मिलता है वो लाइक दिस, मीन्स हमारे वर्ड टेक्स्ट के सेंटर में लाइन ड्रॉ हो जाती है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो अंडरलाइन हमारे पास आता है लाइन के नीचे, सुपरस्क्रिप्ट में लाइन के ऊपर। जैसे इनकी ये शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, बोल्ड कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ये हमारी शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चेंजिंग फॉन्ट टाइप फेस साइज एंड कलर। जब हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कलर साइज को चेंज करते हैं। द करेक्टर ऑफ ए स्पेसिफिक साइज डिजाइन आर यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट आर कॉल्ड फॉन्ट्स। फॉन्ट क्या होते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक करेक्टर को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, उसका साइज डिजाइन सब कुछ अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइप करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉन्ट। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं फॉन्ट में। तो व्हेन वी ओपन वर्ड द टेक्स्ट अपीयर विद डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप स्पेस कैलिबरी और उसका साइज कितना होता है 11, बाय डिफॉल्ट उसका साइज होता है 11। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब के ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन फॉन्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन जो है फॉन्ट लिस्ट की ओपन हो जाएंगी लाइक दिस। इसके अब नीड के अकॉर्डिंग हमें अपने फॉन्ट जो स्टाइल है उसको क्लिक कर लेना है, तो हमारा जो टेक्स्ट है उसी स्टाइल में हमारे पास अपीयर होगा जो हमने स्टाइल क्लिक किया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाईलाइटेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड कैसे करना है, हाईलाइटेड मतलब जब हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो उसका मतलब होता है ये हमारे डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट है, मेन वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब को चूज करना है, उसके बाद हमें सिलेक्ट क्लिक ऑन हाईलाइट बटन, हाईलाइट बटन ये होता है हमारा हाईलाइट बटन, हाईलाइट बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर एक नंबर ऑफ कलर बॉक्स की लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें उन कलर्स को सिलेक्ट करना है, फिर हमें ओके पे क्लिक करना है। हम क्या देखेंगे, जो हमने सिलेक्ट कलर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा वो क्या हो जाएंगे हमारे पास हाईलाइट। थैंक यू।